नमस्कार, आद्य शिक्षा समिति की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तृतीय विषय संस्कृत क्रमांक 13 शब्द रूप। पूर्व में हमने पढ़ा था अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग। आज हम पुनः पढ़ेंगे हलंत के बारे में, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग। हलंत के बारे में इसमें बताया गया है हलंत पुल्लिंग आत्मन, जैसे ये शब्द आया है आत्मन, जिसके अंत में न आया हुआ है। न क्या है? व्यंजन है, तो अंत में न हल है, हल का अर्थ होता है व्यंजन। इसमें हल को व्यंजन माना गया है। फिर दूसरा शब्द है ऋत्विज, ये भी हलंत पुल्लिंग है, तो ऋत्विज ऋत्विज के अंत में जब हल है, जब हल है। उसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द आए हैं इसमें, इसी प्रकार जैसे गुणी के अंत में भी न है, आत्मन इसमें भी न है, संद्रमस इसके अंत में भी स है, भवत त है, बुबत त है, अस्मत द है, युष्मत द है, राजन न है आदि के अंत में हल यानी व्यंजन होने के कारण ये हलंत पुल्लिंग है, हलंत पुल्लिंग है। उसी प्रकार दूसरा शब्द है हलंत स्त्रीलिंग में आते हैं, तो हलंत स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें पढ़ेंगे। जैसे आया है वाच, वाच के अंत में च हल है, ये व्यंजन है, च क्या है? व्यंजन है। फिर है अप, अप के अंत में भी देखो आप तो प आया है, क्या आया है? प, प के प अंत में क्या है? हल है, व्यंजन है, क्या है? व्यंजन है। इसी प्रकार इनके अंदर हलंत स्त्रीलिंग में जो शब्द आते हैं जैसे अप्सरस, प्रवरस, स्वरित, संपद, योषित आदि हलंत स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है? जैसे अप्सरस, प्रवरस, स्वरित, संपद, योषित आदि हलंत स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद में आता है हलंत नपुंसकलिंग, हलंत नपुंसकलिंग इसमें भी जैसे आया है जगत, क्या आया है? जगत, तो जगत के अंत में क्या है? त है, तो त क्या है? हल है, त क्या है? हल। फिर है एक शब्द आया है पयस, तो पयस के अंत में भी स क्या है? हल है, व्यंजन है। पयस के अंत में स आया है जो हल है, व्यंजन है। इसी प्रकार कुछ शब्द आए हुए जैसे मनस, तो मनस के पीछे भी स आया है, यशस इसके पीछे स है, नामन, सक्सुस, वर्मन, कर्मन आदि हलंत नपुंसकलिंग शब्द है। तो भी इसके बाद में हमने जो पढ़ा है अजंत के तीनों प्रकार पढ़े और हलंत के तीनों प्रकार पढ़े, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अब हम वापस पढ़ेंगे अजंत पुल्लिंग। अजंत पुल्लिंग में क्या क्या आता है? जैसे अकारांत शब्द आए हैं, अकारांत शब्द आए हैं जैसे राम, बालक, मोहन, श्याम, कृष्ण, सर्वज्ञ, गौतम, योगेश, महेश, गणेश आदि, तो ये अकारांत शब्द में आते हैं। हम कभी बोलते हैं राम शब्द की अकारांत पुल्लिंग शब्द बनाइए, राम रामो रामान, इसी प्रकार बालक बालक बालकोभ्याम, इसी प्रकार ये शब्द बनते हैं, ये अकारांत शब्द बनते हैं। फिर है इकारांत, जिसके अंदर ई है, क्या है? ई है, जैसे हरि, कपि, मुनि, कवि, रवि, ऋषि, गिरि, अग्नि आदि, ये इकारांत शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इकारांत शब्द, हरि, कपि, मुनि, कवि, रवि, ऋषि, गिरि, अग्नि आदि हैं। उसी प्रकार उकारांत शब्द आते हैं, उकारांत शब्द में भावनु, जिसमें ऊ हो, क्या हो? ऊ, भानु, साधु, गुरु, रिपु, वायु, राहु, शिशु, विष्णु आदि, ये शब्द कहलाते हैं उकारांत शब्द आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं रेकारांत, क्या आते हैं? रेकारांत, जिसमें रि शब्द हो, क्या हो? रि, जैसे पित्र, भ्रात्र, जामरत आदि। तो हमने आज पढ़ा अजंत पुल्लिंग, जिसमें अकारांत शब्द आए हैं, शब्द बोले गए हैं, कुछ उकारांत शब्द बोले गए हैं, कुछ रेकारांत शब्द बोले गए हैं। धन्यवाद।